नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। तुर्की भले ही भारत के आंतरिक मुद्दों पर इंटरनेशनल मंच पर एतराज जताता रहा हो, लेकिन जैसे ही तुर्की पर संकट आया, भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाते हुए मदद के लिए फौरन टीमें भेज दी, जिसके बाद तुर्की के राजदूत ने दोस्त कहकर शुक्रिया कहा। भारत की तरफ से चारों ओर मलबे से घिरे और त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए मदद की जा रही है। भारत की तरफ से एनडीआरएफ और सेना की टीम तुर्की के गाजियांटेप प्रांत रवाना की गई। गुरुवार को भारतीय वायुसेना की तरफ से बचाव कर्मियों के अलावा जरूरी सामानों और मेडिकल उपकरणों को तुर्की रवाना किया गया। छठी फ्लाइट में रेस्क्यू टीम के अलावा डॉग स्क्वाड और जरूरी दवाइयों को भेजा गया। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी कुछ तस्वीरों को ट्वीट किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं एक तस्वीर जिसमें तुर्की की महिला भारतीय सेना की एक ऑफिसर को चूम रही है, वो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लोग कह रहे हैं कि तस्वीर उस देश की सेना की है जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद के लिए पहुंच जाती है। वहीं इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अब न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने कट्टरपंथियों को जमकर लताड़ लगाई है। रूबिका ने तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो इकोसिस्टम ये साबित करने पर तुला रहा कि भारत में मुसलमानों का बुरा हाल है, उसकी जड़ें हिलाने वाली हैं ये तस्वीरें और मोदी सरकार का ऑपरेशन दोस्त। तुर्की भारत की मुखालिफत करता रहा है, वो भी मजहबी आधार पर। बुरे वक्त में वसुधैव कुटुंबकम वाला देश काम आया, ना कि धार्मिक कट्टरता वाला। अब रूबिका लियाकत का ये ट्वीट भारत में बैठे उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है, जो बात बात पर ओआईसी की धमकी देते हैं और भारत में मुसलमानों को भड़काते हैं। अब रूबिका के इसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए शादाब ने भी लिख दिया कि सच में मेरा प्यारा भारत जैसा और कोई देश ही नहीं हो सकता। यहीं पैदा हुआ, यहीं रोटी कपड़ा मकान मिला, यहीं इज्जत मिली और यहीं मिट्टी में मैंने अल्लाह की इबादत के लिए सजदे किए हैं और यहीं की मिट्टी में एक दिन मिल जाऊंगा। मेरा प्यारा भारत जिंदाबाद था और इंशाल्लाह रहेगा। तो वहीं एक और यूजर ने ऑफिसर का नाम बताते हुए कमेंट किया, नेम बीना तिवारी, हम भारतीय हैं, जहां भी जाते हैं मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत पाते हैं। संजय मिश्रा ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि विश्व का एकमात्र धर्म सनातन है जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को न सिर्फ लेकर चलता है बल्कि सिद्ध भी करता है। सनातनी होना गर्व की बात है। वहीं योगेंद्र नाथ पांडे नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत माता की जय। रूबिका जी, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सुंदर तस्वीर है। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, मानवता इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महान व्यक्तित्व का मिसाल है। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने इस तस्वीर पर ट्वीट किया है और रूबिका लियाकत ने जो तस्वीर शेयर की है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी बिलबिलाए हुए हैं, वहां पर अब इसी तरीके से कमेंट किए जा रहे हैं और लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 17,674 लोगों की तुर्की में और सीरिया में 3,377 लोगों की मौत हुई। बताया ये भी जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी मलबे में लगातार लोग दबे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं लगातार लोगों को बचाने का काम जारी है। भारत के डॉक्टर्स तुर्की में भूकंप से घायलों का इलाज लगातार कर रहे हैं और खाने पीने की भी चीजें भारत की तरफ से तुर्की भेजी जा रही हैं, जिसकी चर्चा जमकर हो रही है, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की और पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन आज भारत तुर्की की मदद कर मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। इस खबर पर फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।